हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल शान ऑटो। दोस्तों, 2022 में सभी कंपनियां अपने कई सारे न्यू मॉडल्स को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है, जिनमें सबसे ज़्यादा 125 और 150 सीसी की बाइक्स होने वाली है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम 150 सीसी के अपकमिंग टॉप 4 बाइकों के बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपके आने वाले टाइम में कोई न्यू बाइक लेने की प्लान कर रहे हैं, आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये सभी इंफॉर्मेशन हम आप ही के लिए कलेक्ट करते हैं, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ऐसे और भी इंफॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के हमारे लिस्ट की फर्स्ट बाइक है होंडा CB150R, जो कि दोस्तों होंडा की एक स्ट्रीट फाइटर मॉडल होने वाली है। ये बाइक इंडोनेशियन मार्केट में ऑलरेडी काफी टाइम से अवेलेबल है, जिसे अब होंडा इसी साल कन्फर्म इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है। बात कर लेते हैं बाइक के कुछ डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों, कंपनी इस बाइक के लुक को 150 सीसी सेगमेंट की अवेलेबल सभी बाइकों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी बनाना चाहती है, जिसमें आपको एक अंडरबेली पैन, स्प्लिट ग्रैब रेल, 12 लीटर की एक मस्कुलर फ्यूल टैंक, शार्प हेडलाइट और शार्प सिल्वर रेडिएटर स्लॉट्स दिए जाने वाले हैं, जो बाइक के लुक को और भी ज़्यादा स्पोर्टी बनाने में मदद करेगी। और दोस्तों, ये बाइक फीचर्स के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम होने वाला है, जिसमें आपको फुल्ली LED लाइटिंग सेटअप दिया जाएगा, LED इंडिकेटर्स, LED टेल लाइट और एक LCD स्क्रीन वाली फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी ऑफर किया जाएगा, जिसमें आपको ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, टाकोमीटर, गियर इंडिकेटर, फ्यूल गॉज जैसी सभी चीज़ें शो हो जाएंगी। बाइक के फ्रंट में सस्पेंशन का काम करने के लिए 37mm के गोल्डन कलर के USD फ्रंट फॉक और रेयर में मोनोशॉक सस्पेंशन का यूज़ किया जाने वाला है, जो बाइक के लुक को प्रीमियम बनाने के साथ साथ बाइक को इजी हैंडलिंग में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाली है। अब बात कर लेते हैं बाइक के पावर और टॉर्क की। तो दोस्तों, यहाँ आपको एक 149 सीसी की इंजन ऑफर की जाएगी, जो 16.6 PS तक की पावर और 13.8 NM तक का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम होगी 6-speed ट्रांसमिशन के साथ। और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बाइक में डुअल चैनल ABS का भी यूज़ किया जाएगा। फाइनली दोस्तों, अब बाइक के प्राइस और लॉन्चिंग डेट की बात की जाए, तो ये बाइक आपको जून से जुलाई के बीच लॉन्च होती हुई देखने को मिलने वाली है और इसका प्राइस 1.25 लाख के अराउंड ही रहने वाला है। लिस्ट की नेक्स्ट बाइक है होंडा की एक्सट्रीम 160S, जो कि एक फुल्ली फियर्ड स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक होने वाली है। बात करें बाइक के डिज़ाइन के बारे में, तो दोस्तों ये बाइक हीरो की एक्सट्रीम 160R के ऊपर ही बेस्ड होने वाली है, जिसमें आपको एरोडायनामिक एग्रेसिव डिज़ाइन ही दी जाएगी। जिसके कुछ हाइलाइट्स की बात की जाए, तो इसमें आपको एक रिडिकल लुकिंग हेडलाइट, बीफी फ्यूल टैंक और एक अपस्वीप शार्प लुकिंग टेल सेक्शन दी जाएगी, जो बाइक के लुक को और भी ज़्यादा स्पोर्टी बनाती है। इसके अलावा आपको जो है बाइक की कई सारे कंपोनेंट्स एक्सट्रीम 160R के जैसा ही मिलने वाली है, जैसे कि ऑल LED लाइटिंग सेटअप और सस्पेंशन का काम करने के लिए फ्रंट की तरफ 37mm के टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉक और रेयर में मोनोशॉक सस्पेंशन सेटअप। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आपको बाइक में बोथ साइड सिंगल डिस्क ब्रेक अलोंग विद स्टैंडर्ड सिंगल चैनल ABS, हैजर्ड स्विच और साइड स्टैंड इंजन कार्टअप स्विच जैसे चीज़ों का यूज़ किया जाने वाला है। अब बात करें बाइक के सबसे मेन पार्ट इसके इंजन के बारे में, तो यहाँ आपको एक 160 सीसी की एयर कूलिंग सिस्टम वाला इंजन ऑफर किया जाएगा, जो 15 PS तक की पावर और 14 NM तक का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है 5-speed ट्रांसमिशन के साथ। और दोस्तों, मीटर कंसोल आपको इसमें फुल्ली डिजिटल ही ऑफर किया जाएगा, जिसमें आपको बाइक के सारे मेजर इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। फाइनली दोस्तों, बात करें बाइक के प्राइस की, तो ये बाइक आपको 1.30 लाख के एक शोरूम प्राइस टैग के अंदर ही मई तक लॉन्च होती हुई देखने को मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे लिस्ट की लास्ट बाइक होंडा की CB150R के बारे में, जिसके पेटेंट को होंडा रिसेंटली ही फाइल कर चुकी है। यानी कि होंडा जो है अब इस बाइक को इंडिया में लॉन्च करने के लिए फोकस्ड है, जो मेनली यामाहा की R15 वर्जन 4 से कम्पीट करेगी। दोस्तों, ये बाइक पहले भी इंडियन मार्केट में अवेलेबल हुआ करती थी, बट बाइक की सेल उतनी अच्छी ना होने के कारण कंपनी इसे 2017 में ही डिसकंटिन्यू कर दिया था। लेकिन फुल्ली फियर्ड स्पोर्ट्स बाइक के बढ़ते हुए डिमांड को देखकर कंपनी जो है अब इसे फिर से कई सारे न्यू अपडेट के साथ मार्केट में उतारने वाली है, जो अब सीधे कंप्लीट करेगी इंडियन की एक और पॉपुलर बाइक यामाहा R15 वर्जन 4 के साथ। अब बात कर लेते हैं बाइक के कुछ फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों, अब जो है आपको बाइक में फुल LED लाइटिंग सेटअप मिलने वाली है,
जिसमें आपको फ्रंट की तरफ ट्विन LED हेडलाइट विद LED DRS और LED इंडिकेटर्स दी जाने वाली है। इसके अलावा आपको बाइक में न्यूली डिजाइन फ्रंट फेयरिंग, साइड फेयरिंग्स, न्यू बॉडी ग्राफिक्स और एक शार्प ट्रेल सेक्शन देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों, बाइक की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके फ्रंट में आपको प्रीमियम गोल्डन USD फ्रंट फॉक का यूज देखने को मिलने वाला है, होंडा हॉर्नेट 2.0 के जैसा ही। और रियर में प्रीलोडेड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन का यूज किया गया है, जो बाइक को इजी हैंडलिंग में तो मदद करेगी ही, साथ ही बाइक के फ्रंट लुक को भी काफी प्रीमियम बनाती है। बात करें बाइक के पावर और टॉर्क की, तो इस बाइक के अंदर जो है आपको 149.2 cc की लिक्विड कूलिंग सिस्टम वाली DOHC इंजन ऑफर की जाएगी, जो 17.1 PS तक की पावर और 14.4 NM तक का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है, 6-speed ट्रांसमिशन और स्लीपर एसिस्ट क्लच के साथ। दोस्तों, ये पावर फिगर इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से है, जो हो सकता है आपको इंडियन वेरियंट में ज़्यादा देखने को मिल जाए। साथ ही दोस्तों, ये बाइक फीचर्स के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम होने वाली है। R15 वर्जन 4 से कंप्लीट करने के लिए कंपनी जो है इसमें आपको एक कॉम्पैक्ट साइज की फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल ऑफर करने वाली है, जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्ट और मोबाइल कनेक्ट ऐप जैसे कई सारे फीचर्स भी दी जाएगी। और फिर दोस्तों, बाइक की सीटिंग पोजिशन R15 वर्जन 4 के जैसा ही ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होने वाली है। बाइक में सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए डुअल चैनल ABS का भी ऑफर किया जाएगा। ओवरऑल दोस्तों, बाइक का लुक एंड फीचर्स इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल होंडा CBR 150R जैसा ही एग्जैक्ट सेम ही होने वाली है। इसमें कोई भी चेंज जो है नहीं किया जाएगा। फाइनली दोस्तों, अब बाइक के प्राइस और लॉन्चिंग डेट की बात की जाए, तो ये बाइक आपको 1.70-1.80 लाख एक शोरूम प्राइस टैग के अंदर 2022 के फेस्टिव सीजन तक लॉन्च होती हुई देखने को मिल जाएगी।